आप देख रहे हैं जीएम 30 कनेक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करो सब वेलकम है। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगर उनको अच्छी वीडियो लग रही है तो हमारे चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं आज की वीडियो टाइटल मुंबई सिटी टूर 2023 द नेक्स्ट दुबई। हां जी, तरक्की की एक निशानी देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। वेलकम बैक टू अगेन एक और नई वीडियो के साथ में। काफ़ी मसालेदार वीडियो है ये कि अभी हम इंडिया के बारे में लोग क्या सोचते हैं, कैसा दिखता है इंडिया। तो मेरे सामने आप देख रहे हो 2023 में हम लोग इस तरीके से हमारे शहर दिखने स्टार्ट हो चुके हैं, एक बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के। मैं इसको दुबई और शंघाई के साथ में कंपेयर बिल्कुल कर सकता हूँ। आप मेरे सामने बिल्कुल न्यू मेट्रो एकदम, फिर इसकी सेकेंड मेट्रो भी है और यहाँ पर मोनो रेल भी चलती है। और ये मेरे सामने व्यू देखिए, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं सिंगापुर में आ चुका हूँ। सिंगापुर में कुछ कुछ एरिए बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही दिखते हैं। सो गाइस, एयरफोन लगा लीजिए, सफ़र में बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं आज आपको पूरा मुंबई सिटी टूर करवा रहा हूँ, फेमस प्लेसेस नहीं ओनली सिटी टूर के शहर कैसा दिखता है। उससे पहले लेकिन आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए वो भी बताना। तो अभी मैं हूँ बोरीवली एरिया के अंदर और बोरीवली एरिया का व्यू अभी कुछ ऐसा दिखता है, कुछ टाइम पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही तेज़ी से चेंज हो चुका है अभी बोरीवली का व्यू। साइड में देखिए मेट्रो चल रही, बिल्कुल न्यू मेट्रो 2023 की, और सामने है बोरीवली का स्काईलाइन। और यहाँ पर रोड्स के ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, तो 2024 तक तो मुंबई वैसे भी चेंज होने वाली है, लेकिन अभी आप देखिए मुझे शहर बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। अभी हम चलते हैं बोरीवली के मेट्रो स्टेशन के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ स्टेशन कैसा बना हुआ है। आप इसको देख के कैसा फील कर रहे हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेट्रो काफ़ी खूबसूरत स्टेशन बना रखा है और बिल्कुल क्लीन, एकदम क्लीन, मतलब आपकी शक्ल भी दिख रही थी ऐसा स्टेशन बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है यहाँ पर। तो अभी मैं जाता हूँ लिफ्ट से ऊपर और आपको एक और मेट्रो दिखाता हूँ, काफ़ी ब्यूटीफुल सी मेट्रो है। और फिर हम मेट्रो से सफ़र करते हुए आपको मुंबई स्काईलाइन का भी व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। मेट्रो काफ़ी गाइस मॉडर्न बनी हुई है और अंदर से कुछ व्यू ऐसा लगता है एकदम क्लीन और मस्त। ये है मुंबई का स्काईलाइन व्यू, बिल्कुल ब्यूटीफुल सा। और 30 रुपये मेरे लगे थे एक तरफ जाने के, तो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा सस्ता। और सेकेंड चीज़, मुंबई बहुत ज़्यादा है ग्रीन, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे फूल पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। और 250 प्लस स्काई स्क्रेपर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, यानी टावर 250 से ऊपर वो बन रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये मुंबई को किस लेवल पे लेके जाने वाला है। स्काई स्क्रेपर जो बोलते हैं ना सिटी के मामले में, मुंबई उन लिस्ट में शामिल बहुत जल्दी होने वाला है। तो अभी मैं मेट्रो से उतर चुका हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे मेट्रो की तरफ। और वो स्टेशन का वॉक कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल एकदम कांच के बिल्डिंग है। और यहाँ पे नेक्स्ट लेवल मुझे लगा स्टेशन के, नहीं के मुंबई रियली में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है जैसा आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हो। तो अभी मैंने लिया टैक्सी और टैक्सी का मेरा प्राइस लगा था 50 रुपये, ताकि मैं आपको रोड से भी व्यू दिखाऊं। अभी मैं जा रहा था साउथ मुंबई की तरफ, मरीन ड्राइव की तरफ, और वहाँ जाते हुए कुछ इतना ब्यूटीफुल सा व्यू दिखता है। सामने देखिए स्काईलाइन दिख रहा है, ट्विन टावर है, अंबानी जी का घर भी है वहाँ पर, और मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगा। इसको बोलते हैं साउथ मुंबई। और 2023 के एंड तक में यहाँ पे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक वो भी रेडी होने वाला, मुंबई कोस्टल रोड भी यहाँ पे होने वाला रेडी, और बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं, तो मुंबई को काफ़ी नेक्स्ट लेवल तक ले जाने वाला ही है। तो वहाँ से होते हुए मैं भी आ चुका हूँ प्रभा देवी, और प्रभा देवी से मैंने सिर्फ पैदल वॉक ही किया ताकि मैं आपको रियलिटी दिखा सकूँ कि मुंबई अंदर से कैसा लगता है डीप से। तो आप देखिए मैं बिल्कुल पैदल वॉक करते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर बिल्कुल साइकिलिंग के लिए बना रखा है ट्रैक, पास में गार्डन बना रखे, उसके साइड में लगाया हुआ है ट्री, सामने दिख रहा है पूरा स्काईलाइन। तो गाइस मैं पूरा अंदर तक घूमा और इस एरिया को देख के आपको कैसा फील हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में आप
ज़रूर बताना। और जिस हिसाब से मुंबई डे बाई डे चेंज होते जा रहा है, तो क्या ये इंटरनेशनल लेवल की सिटी बन चुकी है या फिर अभी और ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बनने में। एंड गाइस, एक बात मैं जरूर बोलना चाहूँ, मुंबई ग्रीन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे इसकी खूबसूरती डे बाय डे बढ़ती जा रही, क्योंकि यहाँ पे नए नए प्लांट्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है। और जो मुंबई कोस्टल रोड अभी जो बन रहा है ना, उसके ऊपर 75% के ऊपर सिर्फ और सिर्फ गार्डन, वॉकिंग ट्रैक और साइकिलिंग ट्रैक और जिम वगैरह पे ही ज़्यादा फोकस किया गया है। और गाइस, ये है रोड से व्यू और सामने देखिए मुंबई स्काईलाइन, और ये एरिया हाजी अली वाला एरिया है और यहाँ पे काफ़ी मॉडर्न बस भी आ चुकी है। अभी मुंबई के अंदर वो आ चुकी है डबल टेकर बस। तो अभी मैं आ चुका हूँ मरीन ड्राइव, जिसको बोलते हैं साउथ बॉम्बे का हार्ट, और ये प्लेस काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप मेरे सामने देख रहे हो, वहाँ चल रहा है कोस्टल रोड का काम, और अभी दोपहर का टाइम था तो इतनी भीड़ है, शाम के टाइम पर तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाती है। आई होप गाइस, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा या मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको, तो वाकई जो मुंबई तब्दील हो चुका है दुबई का, दुबई के दुबई, जो नजारे मुझे लगा है दुबई के नज़ारे रुखसार भाई देखने को मिल रहे थे। जब वो काम इसका पूरा हो जाएगा ना, फ्लाई ओवर के मुंबई के बाहर है, मैं कहता हूँ कमाल कर, साल पर जो बन रहा है, साल पर बन रहा है वो, साल पट्टी पर बन रहा है हाईवे, तो वो बातें ठीक है कि वो बोलते हैं कि नेक्स्ट 2026 तक जो मुंबई है, बड़े बड़े शहर है वो हम इतने क्लीन है, नीट कर देंगे कि वो दुबई का मुकाबला करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इंडिया का, वो भाई कमाल का है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो मुंबई में इन्होंने ये जो रोड बनाया ना, सैले समंदर के साथ साथ एक तरफ आबादी जा रही है और एक तरफ भारतमाला प्रोजेक्ट में है वो। हाँ, तो ये बहुत ही कमाल के इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी मैंने आज तक वीडियो देखी है इंडिया के, इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का इनका, उसकी कोई मतलब के मिसाल नहीं मिलती। तो ये इसमें तो उन्होंने कमाल किया। भारतमाला या सागरमाला, ये दो प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल इंडिया में जो सबसे ज्यादा फेमस है, जो कि इनका पूरे इंडिया को कवर करने वाले, जो मेरे ख्याल भारतमाला वो इंटरनली कवर करेगा और जो सागरमाला जो है वो मेरा ख्याल बार बार जो बीचेस है ना उसके साथ साथ जाएगा इंडिया के, मेरा ख्याल ये मेट्रो देख रहे थे हम, ये इनका तो मैं कहता हूँ कमाल की चीज है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ एक ही मेट्रो बनी है अभी लाहौर पे और एक बने एक बेंगाल में, वो भी फ्लॉप फ्लॉप हो गई। तो उनका जो हमारे यहाँ जो मेट्रो बनी हुई है ना, वो ऐसे ही है जैसे मतलब बहुत ही पुरानी सी है मतलब के, लेकिन मतलब के ये जो इनकी देख रहे हैं ना, मैं कहता हूँ कितने दिनों की बनी है, अभी ऐसे चमक रही नहीं होती, चमक रही होती हर चीज कोई मतलब सफाई सुथरा बहुत ज्यादा भाई वो, और ऊपर की तरफ जो है ना वो उनकी बड़ी दूर से लोग आते हैं और मतलब कोई रास्ते में नीचे कोई रुका हुआ, जब उधर की आवाम मेट्रो में सफर करना चाहेगी वो उसको पैसा कमा कर देगी तो वो चलेगी, उसका वो ठीक रहेगी। जब पाकिस्तान की जो आप बात करें फ्लॉप हो चुकी, उधर में वो सफर भी नहीं करते, तो ये भी होता है ना वो कमाई नहीं करते। आवाम का भी कसूर है ना भाई, ये देख रहे हैं कि उनकी मेट्रो कब की बनी है, लेकिन वहां पर सफाई सुथराई ऐसी जैसे अभी न्यू उन्होंने बनाई हुई है ऐसे लग रहा है, तो हमारे तो वो सारे टूट गए। गवर्नमेंट का काम होता है आपको प्रोजेक्ट बना कर देना, और आवाम का पढ़ी लिखी बाशऊर हो तो उसको लेकर चलना आवाम का होता है, तो उधर के लोग सुन चुकी है वो अपने फ्राइज जैसे वो यूरोप कंट्रीज में होता है ना, क्या समझते हैं घर समय के बगल, हाँ वो आप उसको उनको एहसास है कि हमारे जो हक हकूक है वो ऐसे हैं, वो अपने जो फ्राइज है वो अंजाम देते हैं। और यार वो मैं देख रहा था वो साथ साथ किनारे के साथ साथ एक तो ग्रीनरी लगाई हुई थी, साथ बता रहे थे कि एक मतलब पैदल चलने के लिए रास्ता है, ग्रीनरी लद है, जिम के लिए एक जगह भी वो बता रहे थे कि वो भी है, तो ये उन्होंने पूरे प्री प्लान्ड है कि ये चीजें हमें इस तरह तो पहले जो स्काई स्क्रेपर जो हमें नजर नहीं आते थे इंडिया में, देखे हो, अब वो रुझान में जैसे दुबई में बन रहे हैं या सिंगापुर में बन रहे हैं, वो आगे नेक्स्ट देखना है। यार दुबई अमीर क्यों है, दुबई इस टूरिस्ट से खाता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टूरिस्ट, तो इंडिया भी इस पर फोकस कर रहा है और आ रहे हैं भाई टूरिस्ट आ रहे हैं। मैं तो आए दिन देख रहे थे पाकिस्तान से कितने टूरिस्ट गए हैं, यूरोप से कितने गए हैं और कितने विलाग पर हमने रिएक्शन भी दिया है। यार आज पाकिस्तानी को वीजा मिल जाए ना, मैं कहता हूँ कमो बेश ना हमारे दिल्ली के 50-60 हज़ार लोग देखने जरूर जाएंगे, तो कोई जाएगा। चलो ये ख्वाहिश ये होने भी चाहिए हमारे मुल्क के साथ, तलुकात अच्छे होने भी चाहिए, हमें भी देखना चाहिए कि इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है।
लाइव आंखों से और ही मजा है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, सब्सक्राइब करते, अल्लाह हाफिज़।